आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी हैं और कुछ लॉन्ग टाइप। तो हम शॉर्ट टाइप से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले शॉर्ट टाइप से भी क्वेश्चंस खत्म करेंगे, फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप वाले वो करेंगे। ठीक, तो चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो उसमें पहला क्वेश्चन देखिए है, इन ए ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, AB is equal to 24 cm, BC 7 cm, determine sin A cos A and sin C cos A। ठीक, तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे डिजाइन कर लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पे B क्या है आपका, B 90 डिग्री है और AB की डिस्टेंस 24 cm गिवन है यहाँ पे और BC 7 cm है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम सबसे पहले इसकी जो हाइपोटेनस वाली साइड है वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में यहां से मैं लिखते जाता हूं, आप समझिएगा ध्यान से। इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ये हो जाएगा एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बाय पीजीटी, यहां पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर, तो एबी आपका 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 स्क्वायर होगा आपका 49, तो ये टोटल सम दोनों का हो जाएगा आपका 625 एसी स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हम एसी की वैल्यू निकाल लेंगे, रूट 625 इज इक्वल टू 25। अब हाइपोटेनस वाली साइड हमने फाइंड कर लिया, जो कितनी आ रही है 25 आ रही है, तो हमें इसमें सभी साइड मिल गई। ठीक, आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर दिख रहा है, यानी एबी वाली साइड दिख रही है, बेस भी दिख रहा है 7 और ये हाइपोटेनस 24। ठीक, अब यहाँ पे ये सब डिसाइड हुआ कि एंगल ए से हम एंगल ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं या सी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन दोनों के लिए पूछा गया है। ठीक है, साइन ए कॉस ए, तो यहाँ पे एंगल ए के लिए पूछा गया एक्यूट एंगल, और ये साइन सी कॉस सी, तो यहाँ पे एक्यूट एंगल सी के लिए पूछा गया है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन होगा साइन ए, तो साइन ए तो ए एंगल अब यहां पे हो जाएगा, एंगल हमारा ये क्यूट एंगल हो गया। ठीक, तो इस एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस होता है और फिर ये रिमेनिंग साइड बेस, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन ए क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, यानी बीसी, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा यहाँ पे एसी, तो परपेंडिकुलर कितना 7 और हाइपोटेनस कितना आ जाएगा ये 25। ठीक, फिर यहां पे आएगा साइन हो गया, अब कॉस ए में फाइंड करना है, कॉस ए, तो कॉस ए के लिए क्या फिर से होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना हमारा यहाँ पे बेस, तो एबी एबी और हाइपोटेनस कितना एसी, तो बेस है हमारा 24 और हाइपोटेनस 25। तो ये तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, साइन ए बीसी अपॉन एसी, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बीसी अपॉन एसी 7/25, और आपका कॉस ए, तो कॉस ए हो जाएगा यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 24 अपॉन 25। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन इसी में है आपका, सेकेंड वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे है साइन सी, तो साइन सी के लिए आप एंगल हम चेंज कर देते हैं, तो एंगल चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, ये 24 है आपका 7 और ये हमने 25 फाइंड किया। ठीक है, ये तो हाइपोटेनस रहेगा क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक, अब बात करते हैं सी एंगल की, तो सी एंगल यहां पे आ जाए। ठीक है, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, अब परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये पी हो जाएगा हमारा 24। ठीक, ये क्या हो जाएगा बेस। ठीक है, और ये जो लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेनस, तो C के सामने वाली साइड, ये एंगल C, तो C के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन C की बात करते हैं, साइन C तो ही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा AB और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा AC, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 25। ठीक है, और ये नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक, अब हमें निकालना है cos C, तो cos C के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा ये हो गया BC अपॉन AC, तो BC 7 अपॉन 25।
तो ये आंसर हो गया दोनों क्वेश्चनों का। फिर हम एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन फिर से, फिर एक और शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलरेडी भी ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कई बार। ठीक, तो सॉल्यूशन देखिए। If if angle A and B are acute angle such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. है ना क्वेश्चन ध्यान से। If angle A and angle B are acute angle such that cos A equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. ठीक, तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया A C D, जहाँ पे A और B दोनों को एक्यूट हमने बनाया, क्योंकि गिवन है कि A और B दोनों क्या है, एक्यूट है, एक्यूट टाइप का एंगल है ना, तो दोनों को हमने एक्यूट यहाँ पे प्रेजेंट कर लिया है। ठीक, और सी को 90 डिग्री दे दिया। अब जो प्रूफ करना है पहले देखते हैं क्या है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी, जहां पे सी क्या है आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अब गिवन जो है, तो गिवन वाला पार्ट ये रहा आपका, गिवन कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो कॉस ए cos b के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है कि a is equal to b, दोनों इक्वल हो आपस में। तो अब cos a की बात करते हैं कि cos a क्या होता है। तो यहां पे हम जानते हैं कि cos theta जो होता है, cos theta base upon hypotenuse होता है। ठीक है, तो ये सबको पता है cos theta base upon hypotenuse। तो हम जब a को कंसीडर करेंगे एंगल, यहां पे एंगल a की बात हो रही है। ठीक है, तो जब a को कंसीडर करेंगे तो a के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी, है ना। हम जब एंगल एक्यूट एंगल जिसको कंसीडर करते हैं, उसके सामने फ्रंट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होती है, और जो रिमेनिंग बची वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो कॉस ए के लिए कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस ए के लिए बेस क्या हो जाएगा हमारा ए सी, और हाइपोटेनस ए बी। ठीक, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, ए सी अपॉन में ए बी, सिमिलरली कॉस बी। तो जब cos b को हम b को एक्यूट एंगल मानेंगे, तो b के सामने वाली साइड फ्रंट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस, और रिमेनिंग साइड क्या हो जाएगा, बेस। ठीक, तो अब ये फिर से यहां पे cos b, तो b के लिए फिर से हम क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे bc, और हाइपोटेनियस हमारा वही ab। ठीक है, अब ये ab से ab क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ab से ab जब कैंसिल हो गया, तो फिर नेक्स्ट स्टेप इसकी क्या हो जाएगी, अब यहां पे हो गया ए बी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी ये जो आपकी ए सी वाली साइड है, ये साइड इसके इक्वल हो गई। तो थ्योरम है ना, कि जब साइड इक्वल होती है, इसके जस्ट अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम जैसे साइड हमने इक्वल लिख दिया, तो यहां पे लिखेंगे क्या, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, रीजन भी देना पड़ेगा यहां पे, सिंस एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये भी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले मैंने पहले बोला था कि सभी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद देन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो इन फिगर फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम दिया होगा। ठीक है, इसमें ये पी क्यू की वैल्यू 12 और पी आर 13 गिवन है, क्यू आर की वैल्यू गिवन नहीं है। तो बना तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू पे 90 डिग्री है, तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्यू आर की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें मिल जाएगा बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, सभी कुछ डिराइव हो जाएगा, उसके बाद हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सॉल्यूशन में इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, क्यू पे 90 डिग्री है, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बाय PGT by Pythagoras theorem। ठीक है, तो यहां पे PR की वैल्यू 13 स्क्वायर, PQ 12 स्क्वायर, और QR फाइंड करना था, QR स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 169 इक्वल टू 144, और ये प्लस साइन QR स्क्वायर, तो QR स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो QR स्क्वायर इक्वल टू, इसको माइनस करना पड़ेगा, तो QR स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, तो ये आपका आ जाएगा
25 और QR की वैल्यू रूट 25 इज इक्वल टू 5, तो ये QR हमें 5, QR की वैल्यू 5 मिल गई यहाँ पे। अब जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, 10P माइनस क्वार्टर, ठीक, तो 10P माइनस क्वार्टर, तो 10P पहले हम फाइंड कर लेते हैं, 10P है ना, तो अब हमारा एक्यूट एंगल कहां पे हो गया, P पे हो गया, तो P के सामने जो फ्रंट वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड तो हाइपोटेनस होगी ही, है ना, और बाकी रिमेनिंग साइड भी हो जाएगी बेस, ठीक, तो टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 5 और बेस कितना है 12, तो टेन टी हो जाएगा 5 अपॉन 12 और यहाँ पे हम लिख देंगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। सिमिलरली हमें क्या कॉट आर फाइंड करना है, कॉट आर, तो कॉट आर के लिए अभी एक्यूट एंगल हमने हटा दिया एपी, तो एक्यूट एंगल हमारा आर बन जाएगा, तो एक्यूट एंगल आर हुआ तो एंगल हमारा आर पे आ गया। अब आर के सामने जस्ट फ्रंट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, और हाइपोटेनस है नेक्स्ट, ये बेस हो जाएगा, तो कॉट आर के लिए अब हम देखें, कॉट आर हमें निकालना है, तो कॉट आर टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट, तो कॉट थीटा जो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, तो बेस कितना है यहां पे 5 और परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 12, तो cot r की वैल्यू 5 अपॉन 12। अब वो बोल रहा है कि दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो देयरफॉर 10p माइनस cot r इज इक्वल टू 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये आंसर हो गया यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 0। तो जो क्वेश्चन पूछा था 10p माइनस cot r, तो आंसर क्या है हमारा 0 यहाँ पे, रेक्टेंगल बॉक्स में इसको पैक करें कि आंसर हाईलाइट रहेगा हमारा। फिर ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी है, लेकिन ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ही है, ठीक है, तो शॉर्ट टाइप में भी हो सकता है, लॉन्ग टाइप में भी आ सकता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन समझते हैं, इजी है ये भी क्वेश्चन, पाइथागोरस पे बेस्ड है, ठीक। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी, ठीक है, साइन पी कॉस पी टेन पी, यानी यहाँ पे जो पी है आपका पी एक्यूट एंगल कंसिडर इन्होंने किया है, यहाँ पे पी पी पूछा है, यानी पी को हम एक्यूट कंसिडर कर लेंगे, एंगल पी इज एक्यूट, ठीक। तो पहले हम क्या करते हैं, पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पीजीटी अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये कंडीशन जो दी है इस कंडीशन का हम यूज करेंगे, है ना, इस कंडीशन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं गिवन क्या है, गिवन दैट, फिर इसका सॉल्यूशन समझते हैं, गिवन दैट, तो गिवन है आपका PR प्लस QR, है ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल Q 90 का डायग्राम तो बना ही दिया मैंने, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो PR प्लस QR इक्वल टू 25, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान कंसीडर कर लेते हैं यहां पे, है ना। फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो PGD अप्लाई कर देते हैं, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बाय पीजीटी बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम क्या करते हैं, यहां पे ये जो पी क्यू की वैल्यू है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, पी क्यू को हम राइट साइड में छोड़ते हैं और क्यू आर को लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ठीक। अब पी क्यू की वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर, तो यहां पे हमने इसको लिख दिया 5 का स्क्वायर, ठीक। अब पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, अब अगली स्टेप जो होगी, नेक्स्ट स्टेप, इसमें नेक्स्ट स्टेप जो है, ये यहां पे आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, इसको मैं रिपीट कर देता हूं फिर से, यानी जो स्टेप है पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25, अब यहां पे आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है आपका ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका पी आर प्लस क्यू आर,
and PR minus QR is equal to 25. अब यहाँ पे PR plus QR की वैल्यू कितनी गिवन है? 25. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम ये प्लस वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं. ठीक, तो ये PR को वैल्यू 25 पुट कर दिया और ये हो जाएगा हमारा PR minus QR equal to 25. अब जो यूज किया तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, अब PR माइनस QR 25 डिवाइडेड बाय 25, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके 1 हो जाएगा. तो यहां पे PR माइनस QR इक्वल टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन है ना. और फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी हम पहले लिख चुके हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ठीक, PR प्लस QR इक्वल टू 25, ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी और ये सेकेंड इक्वेशन हमने किया. ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड है आपकी PR माइनस QR इक्वल टू 1. दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, हम सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे ड्रा किए, पहले इक्वेशन आप पहले ऑलरेडी कंसिडर कर चुके थे और ये सेकेंड इक्वेशन हमारी आई है. दोनों को सॉल्व कर रहे, तो दोनों को एड कर दिया, तो QR से QR कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2PR इज इक्वल टू 26. तो PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13. ठीक है, तो PR की वैल्यू 13 आ गई. हम इसको या तो फर्स्ट में पुट करते हैं या सेकंड में पुट कर दे. ठीक, तो पुट कर देते हैं PR की वैल्यू 13 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो PR माइनस QR इक्वल टू 1. तो QR PR कितना हो जाएगा यहां पे? 30, 1 को माइनस कर दें इज इक्वल टू QR. तो QR की वैल्यू हमारी आ गई कितनी? 12. ठीक है, तो सभी वैल्यू हमने यहां पे डिराइव कर ली. ठीक, यहां पे PR कितना है आपका? 13 है, तो PR कितना आ गया हमारा? 13, और QR कितना है? 12 है. अब वो क्या पूछ रहा था? sin p cos p एंड tan p. ठीक है, तो sin p cos p tan p हमें फाइंड करना है. तो sin थीटा cos थीटा tan थीटा, तो तीनों का रेशियो तो हमें पता ही है. तो देयरफॉर sin p, तो sin थीटा पता है, sin थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, sin थीटा. तो हमने p को कंसीडर कर लिया, p को एंगल कंसीडर कर लिया, एक्यूट एंगल रेशियो कंसीडर किया, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 12. हाइपोटेनस तो लॉन्गेस्ट साइड 13 और बेस कितना हो जाएगा हमारा? 5. ठीक, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 12 अपॉन 13, तो sin p होगा हमारा QR अपॉन में PR, तो ये हो गया हमारा 12 अपॉन 13. cos p फाइंड करना है, cos p, तो cos p बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना? PQ अपॉन PR, तो ये हो गया PQ अपॉन PR, तो ये हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 13. और ये लास्ट स्टेप है अपने आंसर की, तो लास्ट स्टेप के लिए हमें क्या निकालना है? tan p. तो tan p क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना? QR, और बेस कितना हो जाएगा? PQ. तो ये हो गया हमारा कितना? 5, 12 अपॉन 5. और सबका रेशियो आप लिख सकते हो, cos थीटा जो होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड tan थीटा जो होगा, tan थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक, यही सभी चीजें पूछा गया था, तीनों चीज पूछा गया था, तो यहाँ पे आंसर आपका कंप्लीट हो गया. ये नेक्स्ट शॉर्ट टर्म का क्वेश्चन देख लीजिए, है ना. इसमें गिवन क्या है? tan a is equal to 1, tan a 1 के इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin a cos a. ठीक, तो इसकी दो मेथड है, हम रेशो के हेल्प से भी कर सकते हैं और बाय यूजिंग एंगल भी हम कर सकते हैं ना, एंगल की वैल्यू रख के भी हम कर सकते हैं. ठीक है, tan a की हेल्प से हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर साइन में कॉस में पुट कर दिया. तो दोनों मेथड से मैं सॉल्व करता हूं, जो इजी लगे आप करिएगा. ठीक है, तो यहां पे इन राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लिया, जिसमें हमने ए को मान लिया एक्यूट एंगल, है ना, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो बाय यूजिंग पाइथागोरस हम क्या करते हैं कि हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं साइन ए और कॉस ए की. तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय पीजीटी. ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या दिया हुआ है? टेन ए की वैल्यू गिवन है,
तो टेन ए की जो वैल्यू गिवन है, टेन ए गिवन है आपका वन, तो टेन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वन अपॉन वन कंसिडर कर लिया हमने, ठीक। तो जो परपेंडिकुलर होगा इसको हम मान लेते हैं क्या रेशियो है, तो वन के, और ये भी क्या हो जाएगा वन के इक्वल, तो हमारी परपेंडिकुलर और ये बेस की वैल्यू, तो परपेंडिकुलर क्या अज्यूम कर लिया हमने वन के, और बेस भी क्या हो जाएगा वन के, क्योंकि ये रेशियो है, ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन के स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा वन के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो गया आपका टू के स्क्वायर ए सी स्क्वायर। तो यहां पे ए सी की वैल्यू हो जाएगी रूट टू के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका रूट टू के, ये ए सी जो हाइपोटेनस है, तो ए सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी रूट टू, तो ए सी की वैल्यू क्या हो गई आपकी रूट टू के हो गए, ठीक। अब हमें क्या करना है, साइन ए और कॉस ए दोनों फाइंड करना है, तो यहाँ पे देयरफॉर साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बीसी और ये एसी, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा ये वन के अपॉन रूट टू के, ठीक। तो के से के कैंसिल कितना वन अपॉन रूट टू, ठीक। अब कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे आपने लिखा था वन के अपॉन रूट टू के, तो इससे कैंसिल और ये हो गया वन अपॉन रूट टू, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पता है होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और जो कॉस थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये दोनों वैल्यू होती है, ठीक। तो साइन भी मिल गया कॉस मिल गया हमें, हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो हमें फाइंड करनी थी, तो फाइनली वैल्यू हमें क्या फाइंड करनी थी, देयरफॉर टू साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू टू इंटू वन अपॉन रूट टू इंटू वन अपॉन रूट टू, तो वन अपॉन रूट टू इंटू वन अपॉन रूट टू, तो क्या हो जाएगा ये टू इंटू वन अपॉन टू, तो टू से टू कैंसिल, ये आंसर आएगा वन, ठीक। तो टू साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू वन हो गया। अब ये क्वेश्चन तो हो गया था टू साइन ए कॉस ए इक्वल टू वन, हम मैंने पहले बोला था कि इस क्वेश्चन को दो मेथड सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें हम बाय यूजिंग एंगल मतलब वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एक ही उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, वो और इजी पड़ेगा, ठीक। तो और मैंने लिख दिया इफ टेन ए इज इक्वल टू वन, सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, टेन ए इज इक्वल टू वन देन फाइंड वैल्यू ऑफ टू साइन ए कॉस ए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक। तो सॉल्यूशन टेन ए गिवन है, टेन ए इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन वन कहाँ पे होता है ये 45 डिग्री पे, ठीक। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री, ये क्या हो गया यहाँ पे 45 डिग्री हो गया। तो अब हमें क्या करना था, हमें वैल्यू फाइंड करनी है टू साइन ए कॉस ए की, तो देयरफॉर टू साइन ए कॉस ए, तो टू साइन ए कॉस ए, तो टू इंटू साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना 45 डिग्री, तो 45 डिग्री, और कॉस ए तो कॉस 45 डिग्री, तो टू इंटू साइन 45 की वैल्यू वन अपॉन रूट टू, और कॉस 45 भी हमारे क्या होता है वन अपॉन रूट टू होता है, तो यहाँ पे टू इंटू रूट टू कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, तो टू से टू कैंसिल, ये क्या आ गया आंसर वन। यही प्रूफ करना था हमें, मतलब ये लाना था, इसकी वैल्यू लानी थी कि टू साइन ए कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, तो हमें ये फाइंड करना था, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी। तो इस टाइप से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट टाइप का है, छोटा सा क्वेश्चन है, तो टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री एंड टेन ए माइनस बी इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए बी की वैल्यू दोनों 90 से छोटी होगी, एक्यूट एंगल, ठीक है, जीरो से बड़ी होगी। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन इजी है भाई, गिवन दैट टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री, ठीक है। तो रूट थ्री यानी कितना, रूट थ्री टेन में क्या होता है टेन 60 डिग्री, तो कंपेयर कर लेते हैं आप एंगल, ये 10 से 10 कैंसिल ना करें, है ना, बच्चे ध्यान नहीं देते, 10 से 10 क्रॉस कर देते हैं और ए प्लस बी 60 लिख देते हैं, ठीक है। तो हम टी एन और टी एन कैंसिल नहीं करेंगे, कंपेयर करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं, टेन ए माइनस बी इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री,
वन अपॉन रूट थ्री टेन में कहा होता है, 30 डिग्री पे होता है। तो फिर से कंपेयर कर लो, a माइनस बी किसके इक्वल, 30 पे, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। b से b क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल, तो a प्लस a कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना 90 डिग्री, 60 डिग्री 30 डिग्री कसम 90 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, a इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। ये a की वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते, फर्स्ट इक्वेशन हमारी a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो a की वैल्यू है, तो b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस a, तो 60 डिग्री माइनस a यानी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इस स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा, तो लास्ट स्टेप है ये, तो एंगल b कितना आ जाएगा, एंगल b आ जाएगा आपका 15 डिग्री, तो एंगल b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। tan a इज इक्वल टू cot b, tan a इक्वल टू cot b, प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, ठीक है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली जो प्रॉपर्टी है इसमें अप्लाई होगी। तो हमें ध्यान देना है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, दो लाइन का क्वेश्चन है बस ये, ठीक है। तो यहां पे जो गिवन है, गिवन से ही प्रूव हो जाएगा, गिवन दैट tan a इज इक्वल टू cot b। अब हम चाहे तो tan को चेंज कर सकते हैं cot में, या cot को tan में चेंज कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी आपको यूज कर रही है। तो यहां पे हम tan a एज इट इज लिख देते हैं, और cot को मैं चेंज कर लेता हूं, cot को tan में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक। तो cot थीटा क्या होता है, cot थीटा tan 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है, तो हम इसको लिखते हैं tan 90 माइनस 90 डिग्री माइनस b, ठीक। और यहां पे मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूं कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है आपका cot थीटा होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा। तो अब यहां पे tan a और ये भी tan 90 माइनस b, तो हम एंगल को कंपेयर कर लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b, तो लास्ट स्टेप है क्वेश्चन की, a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फिर से वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस सेकंड डिग्री, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस सेकंड डिग्री, वे 2a इज एक्यूट एंगल, यानी एक्यूट लेस देन 90 डिग्री, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a। तो गिवन दैट tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, तो प्रॉपर्टी अब यहां पे भी अप्लाई कर देते हैं, cot को tan को हम cot में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो tan theta इज इक्वल टू tan theta इज इक्वल टू cot 90 माइनस theta, ठीक है। तो tan theta को हम लिख देते हैं cot 90 माइनस theta में, क्योंकि RHS में भी cot है, तो RHS में भी cot हो जाएगा। तो यहां पे कन्वर्जन मैं कर देता हूं, tan को cot में कन्वर्ट कर देता हूं, तो यहां पे लिख देता हूं cot 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब cot रेशियो सेम है, तो एंगल को कंपेयर कर लेते हैं, 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब डिग्री को एक तरफ, तो 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री, इधर माइनस है तो RHS में आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा a प्लस 2a। अब ये a प्लस 2a 3a हो गया, और 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 108 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो हम डिवाइड कर देते हैं, 108 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आएगी, लास्ट स्टेप है इसका, ये हो जाएगा आपका 36 डिग्री।
है ना, हम डिवाइड करेंगे तो 36 आ गई, 36 के इक्वल, तो a इज इक्वल टू 36, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सेम पैटर्न का है ये भी, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। तो गिवन है इसमें भी, गिवन दैट, गिवन है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। तो हम sec को या तो कन्वर्ट कर रहे हैं या cosec को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो sec को कन्वर्ट कर लेते हैं। sec को क्या लिख सकते हैं, sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। ठीक, तो sec थीटा को cosec 90 माइनस थीटा में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा cosec 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अब cosec से cosec को कंपेयर करो तो एंगल के इक्वल ये एंगल होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। एंगल को हम ऐड कर देते हैं 90 डिग्री, ठीक, ये साइन इंप्लाई दैट की 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 4a, ये हो गया आपका 5a के इक्वल, तो दोनों का सम 110 डिग्री, ये लास्ट स्टेप है क्वेश्चन की, 110 डिग्री अपॉन 5 इक्वल टू a, तो आपका a आ जाएगा यहाँ पे 22 डिग्री, है ना। आंसर को मैंने बोला था कि रेक्टेंगल बॉक्स में इसको लिखना है हमें, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी देन सो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए बाय 2, है ना, ये भी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आप समझे। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, हम टेकिंग एलएचएस पहले ले लेते हैं, टेकिंग एलएचएस लेके आते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। टेकिंग एलएचएस, तो एलएचएस क्या है हमारा, साइन बी प्लस सी बाय 2। अब इसमें क्या, सिंस दिया हुआ है कि एबीसी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, यहां पे लग जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा तीनों का सम 180 के इक्वल है। तो अब क्या करूं, यहां से बी प्लस सी बाय 2 की वैल्यू निकाल देते, 2 से डिवाइड कर देते पहले, तो ए प्लस बी प्लस सी, या पहले आप ए को ट्रांसफर कर दो इधर, 180 माइनस ए, और फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 ये भी डिवाइडेड बाय 2। अब b प्लस सी बाय 2 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस a बाय 2, या सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 अपॉन 2, तो दैट मींस क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस a बाय 2, ये किसकी वैल्यू है, b प्लस सी बाय 2 की, तो हम डायरेक्ट इसको हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन b प्लस सी बाय 2 की प्लेस पे हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस a बाय 2। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस a बाय 2, यहां पे प्रॉपर्टी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये आरएचएस आपको यही था, ये प्रूफ करना था, तो यहां पे लिखेंगे एलएचएस इज इक्वल टू RHS, ये लास्ट स्टेप है क्वेश्चन का आपका, हेंस प्रूफ। अब ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का लास्ट टाइप है ना, जिसमें हम डायरेक्ट वैल्यू डिग्री पुट करेंगे उसकी और इसका आंसर निकालेंगे ना। तो ठीक, क्वेश्चन देखो, इवेल्युएट द फॉलोइंग, है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन यहाँ पे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, साइन 60 डिग्री कॉस 30, साइन 30 कॉस 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन 2 इंटू कॉस 30, ये भी √3 बाय 2, प्लस साइन 30 1 अपॉन 2 इंटू कॉस 30 1 अपॉन कॉस 60 की वैल्यू 1 बाय 2। अब ये √3 3 हो जाएगा आपका, √3 मल्टीप्लाई √3 3, और 2 इंटू 2 4 हो गया ये, अब इधर 1 बाय 2 मतलब 1 से 1 मल्टीप्लाई तो 1, 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, फिर इसका एलसीएम लोगे आप तो ये 4 होगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1, ठीक, तो ये 4 अपॉन 4 कैंसिल 1। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 था, है ना, तो ये इसका आंसर 1 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सेम इवैल्यूएट वाला, तो इसमें वैल्यू रखनी है डायरेक्ट आपको, तो 2 इंटू 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 10 45 डिग्री 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर
प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हमने यहाँ पे भी यूज करी है, कॉस 30 कितना होता है रूट थ्री बाई टू, है ना, तो ये हो जाएगा आपका रूट थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी सेम होती है रूट थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर। तो यहां पे आप देखो 2 इंटू 1 प्लस 3 बाय 4 माइनस 3 बाय 4, ये तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 1 तो ये लास्ट स्टेप है, आंसर क्या हो जाएगा इसका 2, यहां पे कंप्लीट हो गया।